हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम को PYQ के बारे में 2019 से लेकर 2022 तक। आपके 11th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैंने सारे PYQ आपको करवा दिए हैं। आपको जो अभी PYQ अगर नहीं चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं आई थिंक सो एनिमल किंगडम तक तो रुक रहा हूं मैं। अगर मेरे को लगता है कि आपको कोई और भी PYQ प्रोवाइड करवाना चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कोई और PYQ प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि आपको बाकी के चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने बता रखी है और PYQ रिलेटेड मैंने नोट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे ही आपको बता दिए। तो और कल से मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी NCERT पढ़े और जितने वीडियोस कराए उसको आप वापस से करते रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं 60 क्वेश्चन में बता दीजिए। मैच द फॉलोइंग बताना है आपको, बता दीजिए। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन में आपको दे रखा है पीलिया, दे रखा है पीलिया के अंदर रेडुला मोलस्कंस के अंदर देखने को मिल जाता है। बॉम्बेक्स की अगर मैं बात करूंगा मेलफिजियन ट्यूबुल्स देखने को मिल जाता है। क्यूरोब्रेची का आपका फ्लेम सेल के अंदर देखने को मिलता है। टीनिया के अंदर कॉम्प्लेट्स देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ आपका जो है 60 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड करेक्ट आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फीचर आपको बताना है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री ट्रू सिलोमेट कब से देखने को मिल जाता है, बता दीजिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर देखने को मिल जाती है, आपकी एनेलिडा या फिर अर्थोपोडा, बता दीजिए। आपका एनेलिडा के अंदर देखने को मिल जाती है। बायलैटरल सिमेट्री अर्थोपोडा के अंदर भी देखने को मिल जाती है। और कोडेटा ट्रू सिलोमेट आपके कौन देखने को मिल जाते हैं, कोडेटा भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे 62 में रिस्पेक्टिव फाइलम की अगर मैं बात कर रहा है तो यहाँ पे ओफ्यूरा आपका किसका एग्जांपल आ जाता है, आपका इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल आ जाता है। ओफ्यूरा आपका इकाइनोडर्माटा का आ जाता है। फैसिलिया अगर बात करेंगे, फैसिलिया की अगर मैं बात करूंगा प्लैटीहेल्मिंथिस के अंदर देखने को मिल जाता है। पिंक्टेडा आपका कोडेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिल जाता है क्या आपका, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। फैसिली आपका कोलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। पिंक्टेड आपका प्लेटे मोलस्कंस के अंदर देखने को मिलता है। फैसिली अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है तो फैसिली आपका कोलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। पिंक्टेडा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो मोलस्कंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्लेनेरी आपका प्लैटीहेल्मिंथिस में देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद द बायलैटरल सिमेट्री, बता दीजिए। आपका ट्रू सिलोमेट विद द बायलैटरल सिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलता है, आप एनिलिडा या फिर अर्थोपोडा, बता दीजिए। एनिलिडा अर्थोपोडा किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका एनिलिडा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ट्रू सिलोमेट एनिमल देखने को मिल जाता है, स्टार्टिंग यही से शुरू हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 से 18 पेयर ऑफ द गिल स्लिट किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर, कॉन्ट्रास्टाइटिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या आपका, बता दीजिए। आपका कॉन्ट्रास्टाइटिस के अंदर आपको साइक्लोस्टोम्स के अंदर, सॉरी गलती से बताया, साइक्लोस्टोम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हेट्रोसीडल क्यूडल फाइंस की अगर बात करेगा, हेट्रोसीडल क्यूडल फाइंस की अगर बात कर रहा है तो आपका कॉन्ट्रास्टिस के अंदर देखने को मिलेगा। एयर ब्राइडर आपको ऑस्टियोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा। पॉइजन स्टिंग आपको ट्राइगन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है 64 का, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 65 की अगर मैं बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा की यहाँ पे बात आ रही। तो फाइलम कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट हुए, तो यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल इन प्रेजेंट और थ्रू आउट देयर लाइफ, यूरोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं होता। उसके बाद वर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियडिक ऑफ द ओनली, ओके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेटा आपको सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड्स के अंदर टाइम में देखने को मिल जाता है, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ डॉर्सल एंड हॉलो, एकदम सही आपका कॉर्डेटा के लिए। और उसके बाद कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइलम, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका क्या चल जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते जेग्रियस पॉलीफायरस पेस्ट किसके अंदर देखने को मिल जाता है, अगर आपको पता होगा तो आपको बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाता है आपका। स्कॉर्पियंस और फिर टीनोप्लाना किसके अंदर देखने को मिल जाता है, बता दीजिए। आपका टीनोप्लाना के अंदर आ जाएगा कि स्कॉर्पियंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे लोकुस्ता के अंदर देखने को मिल जाता है। अडल्ट विद द रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वा विद द बायलैटरल सिमेट्री, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है, टीनोप्लाना की बात कर रहा है ना यहाँ पे, टीनोप्लाना की यहाँ पे बात कर रहा है। टीनोप्लाना नहीं, एस्टेरिसिस, सॉरी, रेडियल विद द एस्टेरिसिस की बात कर रहा है। उसके बाद टीनोप्लाना की बायोल्यूमिनेंस की यहाँ पे बात करेगा, डी का 3 आ जाएगा। और आपका बुक्स लेंथ के अंदर स्कॉर्पियंस की यहाँ पे बात आ गई है। तो देख लीजिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका 66 का आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को
मिलेगा। बायलैटरल सिमेट्री एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पल्ड बाय, बता दीजिए बायलैटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल किसकी बात कर रहा है आपका, प्लैटीहेलमिंथिस या फिर टीनोप्लेना एस्केलमेंटिस, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे आपका, प्लैटीहेलमिंथिस की यहाँ पे बात कर रहा है, एग्जाम्पल बायलैटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक विज ऑफ फाइलम ऑफ द एनिलिडा, एनिलिडा के बारे में बता दीजिए क्या क्या चीजें आप पे करेक्ट दे रखी है। तो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी एंड बायलेटरल सिमेट्री एकदम सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड बॉडी है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको प्लैटीहेलमिंथिस बता दीजिए आपका, प्लैटीहेलमिंथिस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखने को बायलेटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे 69 का जो है पहला एक फर्स्ट का थ्री देखने को मिलेगा, ठीक है फर्स्ट का थ्री देखने को मिलेगा। उसके बाद इकाइनोडर्म्स की अगर बात करेंगे, इकाइनोडर्म्स की अगर बात करेंगे रेडियल सिमेट्री विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। हेमिकॉर्डेटा की अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी विद द नॉन सेगमेंट सेगमेंटेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी। एप्स की अगर बात करेंगे तो वार्म ब्लडेड एनिमल विद द डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, वार्म ब्लडेड एनिमल विद द डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट द ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाई बता दीजिए आपका, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट द ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ऐसा क्यों होता है आपका, नोटोकार्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट इन सम ऑफ द कॉर्डेट, इसकी वजह से, ठीक है 70 का वन ही चले जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 71 में, बता दीजिए एप्टेनोडाइट्स किसकी बात कर रहा है ये बता दीजिए, अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका ये पेंगुइन्स की बात कर रहा है। पेट्रोपस, पेट्रोपस किसकी बात कर रहा है आपका, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है फ्लाइंग, नहीं 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 यहाँ पे गलत बता रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं सही है फ्लाइंग फॉक्स ही कहते हैं ना इसको। पेट्रोफाइलम्स की अगर मैं बात करूंगा, पेट्रोफाइलम्स के अंदर एंगल फिश के अंदर देखने को मिल रहा है, पेट्रोमाइजोन आपका लिम्प्रे के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं 72, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलिमेंथिस, ओके इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सिलोमेट एनिमल आपको देखने को मिल जाता है क्या, बता दीजिए आपको ये एकदम सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे, हाँ ये सही है। राउंडवर्म हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही है। कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन अ टीनोफोरा हेल्प इन अ डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स आपका बायोल्यूमिनेंस देखने को मिल जाए टीनोफेरा के अंदर आपको, बिल्कुल भी गलत है। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स एकदम सही, वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो आपका क्या देखने को मिल रहा है बी सी ई आपको देखने को सही मिल रहा है, बी सी ई आपको देखने को सही मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाता है। उसके बाद मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म की अगर बात करेंगे तो बता दीजिए मेटामेरिज्म कहाँ पे देखने को मिल जाता है, बता दीजिए मेटामेरिज्म किसके अंदर देखने को मिल जाता है। मेटामर्स आपके कौन शो कर देते हैं, टीनोफोरा वाले जो आपका अगर पता होगा, फिर एनेलिडा, मेटामर्स अगर बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एनेलिडा कर देता है। कैनाल सिस्टम आपको पॉरीफेरा के अंदर देखने को मिल जाती है एकदम सही, कॉम्प्लेक्स टीनोफोरा सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स किसके अंदर देखने को मिल जाता है, टीनोफोरा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। न्यूडोब्लास्ट आपका कोलेंड्रेटा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है 74th क्वेश्चन आपको देखना है। फैसिलिया, फैसिलिया आपका लिविंग फॉसिल है, हुकुआ में बता दीजिए पोर्तुगीज ऑफ मैन वॉर की बात कर रहा है, तो आपका ये लिविंग फॉसिल्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसका बारे में बता दीजिए। 74 का आपका जो है आपका पोर्तुगीज ऑफ मैन वॉर के अंदर देखने को मिलता है। लिम्यूलस, निम्यूलस आपका अगर बात करेंगे, लिम्यूलस की अगर मैं बात करूंगा लिविंग फॉसिल्स के अंदर होता है। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमाटा आपका हुकवर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पिंकटेडा आपका जो है पियरली ओस्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। Which of the following organism bears a hollow or pneumatic long bones? Hollow or pneumatic long bones किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं आपको बता दीजिए आपका, नेफ्रॉन्स के अंदर, न्यूफ्रॉन्स के अंदर आपको न्यूमोरहोलिटिक बोन्स देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके बाद आपका जो है लगभग 2022 वाले में, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द पेलेट इन अ पेस्ट बाय, किसके बारे में बात कर रहा है इसके अंदर, बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे 76 का 3 पूओ के अंदर, पिकॉक के अंदर आ जाएगा। All vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrate. Assertion is true आ जाएगा क्या? Assertion is correct. Okay. And the reason notochord is replaced by the vertebral colony in adult vertebrate. एकदम सही है. Assertion and reason are correct. And the reason is also correct explanation for the assertion.
उसके बाद विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाता है एडिशनल चैम्बर आपका, पुवो, पिस्टिकुला और कॉर्वस आपका जो है बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाता है, क्रॉप एंड गिजार्ड आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोस्टोम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं 79 में, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी आपकी, तो यहाँ पे दे लैक द स्केल्स एंड द पियर फिन्स, एकदम सही, उनके अंदर साइक्लोस्टोम्स के अंदर स्केल्स नहीं देखने को मिल जाते, दे आर सर्कुलर माउथ विद जॉज, बिल्कुल भी नहीं, विदाउट जॉज होते हैं ये, बी आर 6-15 ऑफ द गिल स्लिट आपको देखने को मिल जाते हैं सीके साइक्लोस्टोम के अंदर, दे माइग्रेट इन डीप सी वाटर फॉर द स्वैम्पिंग, आपका डीप सी वाटर नहीं मराइन वाटर में चले जाते हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, बी और डी आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका चले जाएगा। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द थ्री चैम्बर हार्ट, बता दीजिए आपका कैलिडॉन, हिप्पोकैम्पस, पेट्रोपस, कोलन, किसकी बात कर रहे हैं आपका, कोलन के अंदर आपका थ्री चैम्बर हार्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ पूरा एनिमल किंगडम आपको पूरा बता दिया आपको अच्छे तरीके से, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो क्या अभी आपको रिवीजन करना है आप बता देना मुझे, कोई भी कमेंट कर देना, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवानी या फिर कुछ और भी करवाना है तो मुझे बता देना, मैं जरूर करवा दूंगा। कि आई थिंक सो 11 का जो है आपका लास्ट का पीवाईक्यू मैंने करवा दिया है, अगर आपको और भी कोई चैप्टर का लगता है जैसे कि मुझे लगता है कि आई थिंक सो आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन का करवाना चाहिए, न्यूरल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है उसमें, उसका करवाना चाहिए, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो ये जो मतलब जो चिलर चिलर चैप्टर है उसको आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और भाई सब्सक्राइब कर लो, अभी तो आखिरी वीडियो भी हो गया आपका, मतलब आपका बहुत बार आखिरी वीडियो तो वैसे भी डालती रहता हूँ मैं, तो आई होप आपका जो एग्जाम अच्छे से जाए, सबका सिलेक्शन हो, जितनों ने भी पेपर दिए हैं अच्छे से मेहनत की है सिलेक्शन हो, नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं कि आपका नहीं भी हुआ तो आपको जो है सीखने को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका जो प्रोसेस है बहुत अच्छी लगी आपको, और आपकी जो पढ़ाई अगर यहाँ पे अगर आप हिम्मत में हारोगे ना तो आगे MBBS में जाके तो आपको फिर और भी हिम्मत हारने की मौके मिलेंगे, ठीक है, तो हिम्मत मत हारो, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर पढ़ने में और इसमें कंजूसी करोगे तो आगे तो फिर तो पढ़ाई होगी ही नहीं भाई, इतना सारा सिलेबस आ जाता है। MBBS अगर बन रहे हो, डॉक्टर फील्ड में अगर जा रहे हो, तो पढ़ाई आपका जो है एक मेन प्राइमरी जो कि आपका ये हो जाता है, प्राइमरी प्रायोरिटी हो जाती है, आपको पढ़ना ही है, आखिरी तक पढ़ना है, मरते दम तक पढ़ना है, तो ये चीज़ आपको जहन में डालनी होगी, इसी तरीके से आपने सोच के लिया भी होगा ये, ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है अच्छी तरीके से, आपकी तैयारी भी चल रही है, मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि भाई बच्चे इस लेवल तक पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ है जो नहीं करते हैं तो उनको भी मैं मोटिवेट करते रहता हूँ, आप प्लीज़ करते रहिए प्लीज़, ऐसा अभी आखिरी टाइम पे यार अगर पछतावा पीछे की चीज़ें लेकर बैठोगे तो फिर आपका अच्छे से एग्जाम जाएगा ही नहीं, ठीक है। मैंने PYQ बोला था, PYQ करवा दी आपको, सारी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं, तो काफ़ी हद तक आपको सब कुछ प्रोवाइड हो गया। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ा दीजिए आपकी मदद से, और आई होप आपका जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मिठाई नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा पर मैसेज ज़रूर करना, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बता देना कि ऐसे क्या आपका पेपर वगैरह सब चीज़ आप मेरे को कर सकते हो। आपका जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो है बिजनेस का जो मतलब व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, और आपका जो है टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों की भी चीज़ें आपको लिंक अंदर दे रखा है। अभी थोड़े दिनों के बाद आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा एक्टिवनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपको कुछ मोटिवेशनल जो है बातें शेयर की जाएगी, तो भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।